एक युवक के हथियारों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। सोनू सैमन की हत्या में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धारदार हथियारों को भी जब्त किया। ये मामला राजनांदगांव जिले के वसंतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 19 सितंबर को देर रात को वसंतपुर थाना क्षेत्र के नंदई चौक में कुछ आरोपियों ने धारदार हथियार से सोनू सैमन पर हमला कर दिया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक की मां ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजनांदगांव एसपी के दिशा निर्देश में वसंतपुर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें वसंतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 युवकों सहित एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किए। पूरे मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में नंदई चौक के पास में 19/9/2023 के रात्रि 11:30-12 के आसपास में एक युवक पर 4 लोगों ने और उसके एक अपचारी बालक ने हमला किया था, जिसकी सूचना उसकी माता सावित्री बाई सैमन द्वारा दी गई थी, जिस पर से इस पर अपराध पंजीबद्ध करके 307 में विवेचना में लिया गया था और 2 दिवस पश्चात इसकी मृत्यु अस्पताल में हुई है, जिस पर से कि 302 धारा जोड़ी गई है और इन्हें इन 5 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।